आज से 9 महीने पहले बहुत सारे लोक लुभावने वायदे करके कांग्रेस प्रदेश की जनता को बरगलाकर सत्ता में आई। पिछले 9 महीनों में वायदे पूरा करना तो दूर, प्रदेश कांग्रेस सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह असफल हो चुकी है। ये एक बार नहीं अनेकों बार प्रमाणित हो चुका है। चंबा में निर्मम हत्याकांड पूरे प्रदेश ने देखा, बद्दी में किस तरह रिवॉल्वर लहराते हुए, बंदूक लहराते हुए आपराधिक मानसिकता के लोग दंदनाए सबने देखा, नाहन की घटना सबने देखी, और अब तो इस सबसे बढ़कर पूरे प्रदेश को झंकोरने वाली घटना मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में घटित हुई है। किस तरह भोरंज में एक महिला के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जनता को सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर आज हमारे प्रदेश के अंदर है। जब पुलिस जो एक रक्षक के तौर पर आम जनमानस में जिसकी भूमिका रहती है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की भूमिका रहती है, वो खुद बैकफुट पर रहती है, और जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उनके हौसले बुलंद हैं, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो ड्रग माफिया है या अन्य आपराधिक मानसिकता के लोग, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है, इसकी कड़ी भर्त्सना करती है, और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इस तरह के आपराधिक मामलों पर, आपराधिक घटनाओं पर, आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं उन पर अंकुश लगाया जाए।